अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आशना खान। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपना, कि मैं इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ स्पेशली फॉर यूथ, जो यंग लोग हैं, ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि हमारा दीन कितना आसान है और खूबसूरत है, और अगर हम दीन को फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएंगी। और आज की ये वीडियो इस बारे में है कि जो लोग पांचों टाइम की नमाजें भी पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, वो जब सफर में होते हैं या कहीं काम से जाते हैं तो नमाज को कजा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नमाज का छोड़ना तो है ही नहीं, पांचों टाइम की नमाजें मुसलमान हर मुसलमान पर फर्ज हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कहीं पर भी हो, ना कि सिर्फ अपने कन्वीनियंट टाइम में या कन्वीनियंट जोन में, बल्कि जब हम हमारे लिए मुश्किल है तब भी हम नमाज के लिए और अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालें। तो हमें अल्लाह ताला के लिए एफर्ट्स करने हैं, उसके लिए स्ट्रगल्स करनी है, ना कि हमने अपने फ्री टाइम में या कन्वीनियंट जोन पे सिर्फ अल्लाह ताला को याद करना है जब हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत हो। हमें तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, दोस्ती करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब हमारे लिए मुश्किल भी हो तब भी हम अल्लाह ताला का जिक्र करें और अल्लाह ताला को याद करें। सो आइए शुरू करते हैं कि हम किस तरह से सफ़र में और बिज़ी भी हों तब भी हम नमाज़ पढ़ें और कितनी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। एंड ऑल्सो मैं ये भी शेयर करूँगी कि जब मैंने बाहर नमाज़ पढ़ी तो क्या हुआ। एंड येस, वन मोर थिंग, कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं परफेक्ट हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी मुझे दीन के बारे में पता है या जो भी मैं कर रही हूँ अपनी रियल लाइफ में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो प्लीज़ जज मत करिएगा, और अगर कोई गलती हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। बाकी हम सभी लोग सीख रहे हैं और दीन के बारे में तो जितना सीखें उतना ही कम है। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ज़मीन का हर एक टुकड़ा जहाँ पर भी हम नमाज पढ़ेंगे वो कयामत के दिन हमारा गवाह बन जाएगा। सो ये कितनी अच्छी बात है। हम कितनी जगह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, और कितनी जगह जाते हैं, राइट? अगर हम हर एक जगह पे एक एक नमाजी पढ़ लेंगे तो कितनी जगहें हम कयामत तक अपने लिए गवाह बना लेंगे, तो इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है जब विल होती है तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता बना ही देता है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आपके अंदर अगर नमाज पढ़ने की नीयत है और अगर आप चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला आपके लिए कैसे भी कहीं पर भी रास्ता बना देगा। एंड यू नो व्हाट, अल्लाह ताला ने तो सफ़र में इतनी आसान कर दी है नमाज, किसके लिए? हमारे लिए, कि आपको पूरी नमाज भी नहीं पढ़नी है, आप दो कसर पढ़ सकते हैं। कितना छोटा और आसान कर दिया है, तो इस चीज़ की हमें कदर करनी है। लेकिन ये नहीं कि हम नमाज छोड़ ही दें। कितनी आसान है सफ़र की नमाज। सो मेक श्योर कि आप दुनिया के किसी भी कोने पर जाएँ, कुछ भी करें, नमाज अल्लाह आपकी प्रायोरिटी हो, क्योंकि हमें कयामत के दिन यही गवाह चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इन्हीं गवाहों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ अभी इनकी कदर करें और अपने लिए वो चीज़ें करें जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हमें दोनों जहाँ में बहुत मदद करेगी और हमारे कामों को आसान करेगी। सो प्लीज़ उन चीज़ों पर काम करें, उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करें जो आपको कुछ फ़ायदा देंगी, राइट? अपने टाइम को वहाँ यूटिलाइज करें जहाँ पर आपको आखिरत में भी फ़ायदा होगा और दुनिया में भी फ़ायदा होगा, जहाँ पर मेन अल्लाह राज़ी होगा। हमारा जो मेन मकसद है इस दुनिया में आने का, अल्लाह को राज़ी करना है। लोग कहते हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस पे नमाज पढ़ तो लें, लेकिन लोग हमें देखते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऑकवर्ड भी फील करते हैं, या लोग देख रहे हैं, या लोग क्या सोचेंगे। जस्ट टेल मी वन थिंग, कि लोगों ने क्या देना है। एंड क्रिएशन कोई मैटर नहीं करती, हमें क्रिएटर को इम्प्रेस करना है, राइट? और जब हम कोई चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो और कुछ होना ही नहीं चाहिए कि कौन हमें देख रहा है या कौन क्या सोच रहा है, डजंट मैटर, राइट? हमारे दिल में बस ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। एंड या वन मोर थिंग, हमें सिर्फ मुसलमान कहलाना नहीं है कि हम सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं, हमें ये अपने एक्शन से प्रूव करना है कि हाँ हम मुसलमान हैं, हम पांचों टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं और ये हम पे फ़र्ज़ है। हम किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ सकते, चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हों, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हों।
इवन यू नो ऐसे मैंने कितने लोग देखे, मैंने एक्सपीरियंस किए खुद, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़नी है ना, अगर आप उनसे बोलोगे कि आपको नमाज पढ़नी है, तो मैं और मम्मी एक बार मार्केट में गए थे तो हमें नमाज पढ़नी थी, तो हमने उनसे बोला, तो उन लोगों ने हमें ऐसी सेपरेट जगह बताई कॉर्नर, और हमने वहाँ पे नमाज पढ़ी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला के लिए कुछ करना है, तो आपको बस स्टेप लेना है एक, उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देता है। और लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, जो लोग कहते हैं ना लोग ऑकवर्ड फील करते हैं या क्या सोचेंगे क्या नहीं, ऐसा नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। हमें बस क्या ज़रूरत है, एक स्टेप लेना है अल्लाह ताला की तरफ, उसके बाद हमें खुद भी नहीं पता होगा कि अल्लाह कैसे रास्ते बना देगा। एंड यस, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मुझे शेयर करनी थी, कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे नमाज पढ़ते हुए, तो कितने लोगों ने मुझे ये चीज़ कमेंट किया, डीएम्स किए कि आप दिखावा कर रही हो और नमाज पढ़ते हुए ऐसे नहीं दिखाते हैं, जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं वो इस तरह से नहीं दिखाते हैं। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी उन लोगों को, कितने लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और जो मैं मैसेज देना चाहती थी उसको समझा भी, बट कुछ लोग ऐसे थे जो उसको गलत वे में ले गए, तो मैं उनको बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरा उस वीडियो को पोस्ट करने का सिर्फ ये मतलब था कि मैं लोगों को ये मैसेज दूँ। इवन अगर मैं हिजाब भी करती हूँ ना और बाहर जाती हूँ, तो मेरा यही मेरा मकसद होता है कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि अगर आप मुसलमान हैं ना, तो आप हिजाब पहन के भी कहीं भी जा सकते हैं, आपको इसमें कोई भी झिझक नहीं महसूस होनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि मैं ये मैसेज देना चाहती थी उस वीडियो से कि आप कहीं पर भी जाएं, और अपने घर से कितने ही दूर क्यों ना हो, आप अपनी अगर घूमने भी जा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नमाज को ना भूलें। नमाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ से ज़्यादा। मेरा बस मैसेज उस वीडियो में यही था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दिखावा था या लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर किया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना चाहती थी कि लोग इस चीज़ से मोटिवेट हों, और अगर कोई एक इंसान भी बाहर जाके भी नमाज ना मिस करेगा तो मुझे लगेगा आई हैव डन माई पार्ट। सीरियसली इंशाल्लाह ऐसा ही हो कि हम सब कहीं भी जाएं, हमारी बस नमाज मिस ना हो। देखिए, हम दुनिया के कहीं भी घूमने जा सकते हैं, किसी भी कोने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम के लिए भी जा सकते हैं, बट ज़रूरी ये है कि हम कहीं भी जाएं, बस अल्लाह ताला का जिक्र और याद हमारे दिलों में हो, नमाज की जो फिक्र होती है ना वो हमारे दिलों में हो कि हमें बस नमाज नहीं मिस करनी है। तो अल्लाह ताला हमारे कामों को ऐसे आसान कर देता है, चीज़ों को इतना खूबसूरत बना देता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके दिल में नमाज की फिक्र होगी ना, तो कोई और दुनियाई फिक्र आपको इतना परेशान नहीं करेगी। कितनी परेशानियाँ, कितनी बलाएँ आप पे आने से पहले ही टल जाएंगी, आपको पता भी नहीं होगा अल्लाह ताला हमारे मैटर्स को किस तरह से हैंडल कर लेता है, हमें पता भी नहीं होता। ये तो उसकी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत करता है वो हमसे, 70 माओं से ज़्यादा, बेपनाह। तो हम उसके लिए कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, और वो तो इतना मेहरबान है, रहीम है, करीम है कि हम कोशिश करते हैं और वो हमें इतना अता कर देता है सिर्फ हमारी कोशिश देख के। कि मेरे बंदे के लिए कितना मुश्किल था कि जब वो फ्लाइट में था तो उसने नमाज नहीं छोड़ी, उसके लिए वुजू करना कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए एफर्ट्स करे। वो ट्रेन में था तो उसने मेरे लिए एफर्ट्स करे। चाहे आप उस टाइम सही तरह से पढ़ भी ना पाए हो नमाज, लेकिन अल्लाह ताला क्या देखता है, अल्लाह ताला नियत देखता है, अल्लाह ताला वो कोशिश देखता है जो हम उसके लिए करते हैं। हम लोगों के लिए कितने ही कोशिश कर लें, कितने ही यू नो एफर्ट्स क्यों ना कर लें, पर लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि इसका क्या हुआ। पर अल्लाह ताला क्या देखता है, अल्लाह ताला देखता है कि मेरे बंदे ने कोशिश तो करी, मेरे बंदे ने एक स्टेप तो मेरी तरफ लिया। तो प्लीज़, मेरा बस यही मैसेज है कि इस चीज़ को समझे, एंड ऑल्सो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। उस मैसेज को समझने की कोशिश करें कि वो क्या है, ना कि उसको जज करने की या ये सोचने की कि ये दिखावा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ नमाज को मिस ना करें, नमाज की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। हम किसी भी हालत में नमाज कज़ा नहीं कर सकते, हमें जहाँ जगह मिल रही है और अगर नमाज का वक्त है तो हमें नमाज अदा करनी है, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और अगर आपको नहीं पढ़नी तो आपके पास 1000 एक्सक्यूज़ हैं, और पढ़नी है तो अल्लाह ताला आपके लिए 1000 रास्ते बना देगा। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत लें और अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ें।
क्योंकि यही चीज है जो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए हो सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकअल्लाह खैर।